हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके थे विस्कोसिटी, देख चुके थे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, देख चुके थे कंप्रेसिबिलिटी, देख चुके थे बल्क मॉडुलस, देख चुके थे, ठीक है। देन हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड भी हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्लूड प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो और एक हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे आज, सरफेस टेंशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सरफेस टेंशन दैट मीन्स एक्ट इन द सरफेस, है ना। तो हम लोग बात करें लिक्विड इंटरफेस, है ना, दैट मीन्स दो फ्लूड के बीच में जो इंटरफेस है, वन इज एयर एंड अदर इज वाटर। तो यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इसके कारण जो है कि मेरा सरफेस टेंशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सरफेस टेंशन को अगर डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ एयर और बिटवीन टू इमर्सिबल लिक्विड, है ना। दो इमर्सिबल लिक्विड के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। दो डिफरेंट डिफरेंट लेयर होगा, तो उसके बीच में भी मेरा क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा, है ना। सपोज अगर ये कोई एच जी है और ये वाटर है, तो दो दो इंटरफेस के बीच में भी सरफेस टेंशन एक्ट होगा, और एक तो टेंशन होगा आपका फ्री सरफेस पे, दैट इज एच जी एंड एयर, ठीक है। तो किसी भी वेसल में अगर दो लेयर का लिक्विड रखा हुआ है, तो सरफेस टेंशन एक तो यहाँ एक्ट होगा और यहाँ पे भी एक्ट होगा, दो इमर्सिबल लिक्विड के बीच में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सरफेस टेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए वाटर मॉलिक्यूल्स ए एंड बी। तो जो मेरा ए मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, सराउंडेड बाय द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड द मॉलिकुलर फोर्स एक्ट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज बैलेंस, है ना। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सब एक दूसरे पे, जितने भी मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट में हैं, सब एक दूसरे पे फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ना, आइदर हॉरिजेंटल फोर्स और वर्टिकल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, है ना। तो लेट अब हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, ये सरफेस पे एक्ट कर रहा है ना। लेट अस कंसिडर ए मॉलिक्यूल ए विच इज बिलो द फ्री सरफेस, ये आपका ए है, एंड दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, एंड दस द मॉलिक्यूल्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। जो मॉलिक्यूल्स ए है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और मॉलिक्यूल्स बी का बात करें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मेरा नेट अनबैलेंस फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इन इन मॉलिक्यूल्स बी द नेट डाउनवर्ड फोर्स इज अनबैलेंस, ठीक है। नाउ कंसिडर ए मॉलिक्यूल्स बी विच इज द फोर्स फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस डाउनवर्ड अनबैलेंस फोर्स द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट लाइक ए थिन लेयर अंडर द टेंशन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है इस अनबैलेंस फोर्स के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जनरेट, यहाँ पे एक थिन लेयर जनरेट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं फ्री सरफेस पे, वो क्या कर रहा है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट कर रहा है, वो भी डाउनवर्ड नेट अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स के कारण जो थिन लेयर और अंडर टेंशन जिसको हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन, और ठीक है, सरफेस टेंशन, एंड दिस फिनोमेना इज सरफेस टेंशन, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में ये टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज मीटर, ये आपका है एम एल माइनस टू, ठीक है। न्यूटन्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज फोर्स, दैट इज एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सीलेशन, और मीटर के लिए आपका क्या हो जाएगा, मास आपका कैपिटल एम लिखिए और मीटर के लिए स्मॉल एम, ठीक है।
तो मास के लिए आपका एम हो जाएगा कैपिटल एम, और एक्सीलेशन की क्या क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल एम पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स एस एस को हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस टू, ठीक है। तो और नीचे मेरा क्या है, एम है, तो यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, एक्सीलेशन है मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम ये हो जाएगा एम टी माइनस टू या एल माइनस टू, इसको करेक्शन कर लीजिए, ये आपका जो है कि यहाँ पे जो है एम टी माइनस टू, है ना, जैसा कि यहाँ पे हम लोग कह रहा है एम एम कैंसिल हो जाएगा टी माइनस टू, ठीक है। तो ये आपका जो होगा एम टी माइनस टू, ठीक है, आपको डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करने का प्रोसेस पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन इज बेसिकली ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, ठीक है, जो मेरा सरफेस टेंशन है उसको, वो किसके कारण होता है, ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेम मॉलिकुल्स के बीच में जो फोर्सेस एक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और एडहेसिव फोर्स बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिकुल्स, है ना। दैट मीन्स हम अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टू मॉलिकुल्स का हम लोग बात करें, तो सपोज अगर हम लोग कोई पेपर में अगर हम लोग वाटर का ड्रॉपलेट अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे दो मॉलिकुल्स, एक आपका वाटर का और दूसरा आपका पेपर का, तो यहाँ पे दो मॉलिकुल्स के बीच पे इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडेशन, ठीक है। और लिक्विड के इंटरफेस के बीच में ही होगा, तो दो मॉलिकुल्स क्या है, सेम मॉलिकुल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है ना, फोर्सेस एक्ट हो रहा है, ये आपका वाटर मॉलिकुल्स के बीच ही लग रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, ठीक है। जनरली सरफेस टेंशन इज बेसिकली ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इंक्रीज द इन टेम्परेचर द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेज, जब इसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाटर और किसी भी लिक्विड का, तो क्या होगा, उसका कोहेसिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सरफेस टेंशन विल बी डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या होता है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, सो कोहेसिव फोर्स इज डिक्रीज देन सरफेस टेंशन आल्सो विल डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन इन वाटर एयर इंटरफेस, वाटर और एयर के इंटरफेस का अगर हम बात करें एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो वैल्यू आता है आपका 0.0736 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये आपको जो है कि इम्पॉर्टेंट है गेट के लिए, क्योंकि आपका कभी कभी ये वैल्यू आपको नहीं दिया होता है, तो उस केस में आपको जो है कि याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर इनसाइड द लिक्विड्स का बात करें, लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप मेरा क्या होता है, एक सॉलिड लिक्विड, ये क्या होता है, एज ए बिहेव्स लाइक ए सॉलिड एस्फीयर, तो इसको अगर हम लोग दो पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो दो पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो सौ सेमी सॉलिड मिलेगा। इसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन मेरा जो एक्ट होता है वो कहाँ पे एक्ट होता है, वो मेरा सरफेस आउटर लेयर ऑफ द सरफेस, ठीक है, यहाँ पे आउटर लेयर ऑफ द सरफेस का में क्या होगा, सरफेस टेंशन एक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, सरफेस टेंशन एक्ट होगा। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे वाला का बात करें, तो नीचे वाला जो सरफेस होगा उसमें भी क्या होगा, इस तरह का जनरेट होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये आउटर सरफेस पे क्या होगा, सरफेस टेंशन एक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा सरफेस टेंशन एक्ट होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन्स शेयर स्ट्रेस फोर्स, स्ट्रेस सरफेस टेंशन, दैट इज फोर्स फॉर यूनिट लेंथ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स एस, एफ एस लिख लो यहाँ पे, सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज सिग्मा इंटू एल,
ठीक है। और दूसरा क्या होगा, ये एक इंटरनल प्रेशर के कारण भी यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर है ना, प्रेशर इनसाइड द प्रेशर, जिसको हम लोग प्रेशर फोर्स बोलेंगे, दैट इज प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ पी, प्रेशर फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर है ना, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दोनों को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस फोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एल इज इक्वल टू पी इंटू पाई बाय फोर डी स्क्वायर। ठीक है, और एल को हम लोग लिख सकते हैं जो मेरा लेंथ होगा, ये पूरा टोटल लेंथ जिसपे ये जो मेरा एल होगा, ये जो मेरा सरफेस है लिक्विड का, इस एल को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पाई पाई इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पी पाई बाय फोर डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक डी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर हम लोग पी फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, फोर सिग्मा, ये फोर इधर चला जाएगा, फोर सिग्मा अपॉन डी, फोर सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, फॉर वाटर फॉर सोप बबल है ना, तो सोप बबल के केस में क्या होगा, अगर हम लोग सोप सोप बबल के केस में अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो ये क्या होगा, ये हॉलो होगा, दैट मीन्स बैलून जैसा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हॉलो होगा, और ये क्या हो जाएगा, लेयर जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग दो पार्ट में कट करेंगे तो यहाँ पे दो लेयर हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ इसका बात करें तो ये दो लेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू इंटू फोर सिग्मा अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा, पी इजकल टू एट सिग्मा अपॉन डी, प्रेशर इनसाइड द शोप बबल। ठीक है, तो दोनों ही फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड प्रेशर इनसाइड द शोप बबल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, तो आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल में आपको पूछ दिया जाता है। तो हम लोग आप देखते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या है, कैपिलैरिटी इज ड्यू टू राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज इंसर्ट इनटू द लिक्विड। किसी भी लिक्विड में जब हम लोग ट्यूब को अगर हम लोग डीप करते हैं, डुबोते हैं लिक्विड में, तो क्या होता है, लिक्विड इस ट्यूब के अंदर ये आपका राइज होता है और अदरवाइज फॉल करता है। ठीक है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, ये लेयर डाउन होता है, और एडहेसिव फोर्स के कारण ये लेयर क्या होता है, राइज करता है। ठीक है, कैपिलैरिटी, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब व्हेन इट इमर्ज इन लिक्विड कंपेयर विथ एडजेसेंट जनरल लेयर ऑफ द लिक्विड। ये मेरा जनरल लेयर ऑफ द लिक्विड है, इस लिक्विड के साथ कितना राइज किया और फॉल किया, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी राज और कैपिलरिटी एक्शन। ठीक है, और ठीक है, राज और फॉल के टर्म में भी हम लोग जानते हैं, तो जनरली कैपिलरी राज इज ड्यू टू एडिशन इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के केस में क्या होता है, वो लिक्विड राज करता है, एंड फॉल ड्यू टू कोहेशन ड्यू टू मरकरी। कोहेशन के कारण क्या होता है, मरकरी में लिक्विड फॉल करता है, और एडिशन के कारण क्या होता है, वाटर में लिक्विड राइज करता है। ठीक है, तो हम लोग कोहेशन जानते हैं, कोहेशन दैट मीन्स सेम मॉलिकुलर फोर्स और इंट्रैक्शन के कारण जो मेरा फोर्स अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स।
और डिफरेंट डिफरेंट लेयर और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेशन फोर्स। ठीक है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडहेशन। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी इज ड्यू टू ऑप्शन वन कैपिलरी, ऑप्शन टू एडहेशन, ऑप्शन थर्ड एडहेशन एज वेल एज कोहेशन, और ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दिस। तो इस तरह का आपका जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है इन वाटर व्हाट विल बी हैपन, वाटर लेवल इज राइज और फॉल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और जो मेरा फॉर्मूला है उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम लोग इसका हाइट अगर हम लोग फाइंड करना चाहें राइज और फॉल, तो वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको उसको ड्राइव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा जो इसको हम लोग जूम आउट कर रहे हैं, ये जो मेरा लिक्विड जो राइज किया है उसको हम लोग सिर्फ शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका राइज है, तो यहाँ पे क्या होगा सरफेस, ये अगर हम लोग इसको 3D व्यू में दिखाएं तो ये मेरा क्या है लिक्विड का सरफेस, ये वाला। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या हो रहा है सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। ठीक है, चारों तरफ अपवर्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है सरफेस टेंशन, और ये जो मेरा लिक्विड है, ये जो मेरा राज किया हुआ लिक्विड है, इस लिक्विड के कारण क्या हो जाएगा नेट डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज वेट ऑफ द फ्लूड के कारण, इस वेट ऑफ द फ्लूड के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों को इक्विलिब्रियम में लाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर ये जो मेरा सरफेस टेंशन है इसको अगर हम लोग वर्टिकली अगर हम ये अगर थीटा है तो लिख सकते हैं, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है Fs, तो हम लोग लिख सकते हैं Fs cos थीटा, है ना। ये जो मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो क्या आ जाएगा Fs cos थीटा। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, और यहाँ पे अगर हम लोग वेट निकालना चाहें वेट ऑफ द फ्लूड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, और इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा रो जी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 है, और यहाँ पे जो मेरा ये मेरा क्या है डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, दिस वन इज द डाउनवर्ड फोर्स एक्ट बाय द वेट ऑफ द फ्लूड, है ना, और यहाँ पे अपवर्ड फोर्स क्या है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ एस कॉस थीटा, तो ये मेरा क्या है शेयर फोर्स है, दैट मीन्स सिग्मा इंटू एल। ठीक है, सिग्मा इंटू एल कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 बोलो 2 बोलो, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग इक्वेट करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, दैट मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे सिग्मा पाई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू रो जी पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे एच एच फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक जो मेरा डी है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो एच इज इक्वल टू
फोर सिग्मा, ये चला जाएगा यहाँ पे फोर सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ये मेरा क्या हो गया, हाइट ऑफ द फ्लूड। तो इतना मेरा क्या होगा, राइज ऑफ द फ्लूड। ठीक है, दिस वन इज द राइज ऑफ द फ्लूड। ठीक है, तो राइज और फॉल का दोनों ही कंडीशन सेम है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए हम क्या किए हैं, वर्टिकल फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग क्या किए हैं, इक्वेट किए कर लिए हैं। तो जो मेरा डाउनवर्ड फोर्स है वो किसके कारण होगा, वेट ऑफ द फ्लूड के कारण। ठीक है, तो हम लोग वेट कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ये वेट हो गया, टोटल वेट रो जी इंटू बी। ठीक है, तो रो जी वॉल्यूम क्या हो गया, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई बाय फोर डी स्क्वायर एक लेयर का। तो अगर इसको हम लोग एच से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो मेरा एच है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, ये मेरा टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोग रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट निकल जाएगा। और ये जो मेरा जो सरफेस टेंशन है वो इस तरह से एक्ट होगा, तो इसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा सरफेस टेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, और हम लोग बोले सेल्फ फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स बोले हम इसको, एफ एस बोले। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, ये एफ एस कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गया, वेट, वेट ऑफ द फ्लूड। तो दोनों को इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग यहाँ पे इक्वेट कर लिए हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, हाइट ऑफ द राइज ऑफ द फ्लूड, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये फाइंड कर दिए, दोनों ही केस में मेरा क्या हो गया, राइज और फॉल सेम इक्वेशन आएगा। इसको आपको रिमेम्बर करना है, ठीक है, और रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखें, बहुत सारा प्रॉपर्टी देखें, उसको देख लीजिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, सारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।